नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एड स्लैश यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एरे सीरीज के ऊपर। तो चलते सीधा स्क्रीन पे एंड हमारे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आज जो हम सॉल्व करने वाले। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले वो है, हाउ डू यू कॉपी एन एरे इन जावा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो सीधा चलते हैं हमारे वीएस कोड पे। तो बेसिकली क्या करना है, मुझे कॉपी बनानी, मतलब एक एरे है हमारे पास, उसी की सेम कॉपी बनानी है। तो काफी ईजी है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम एक एम्प्टी एरे बनाएंगे, वो भी सेम साइज का, और लूप चलाकर जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर लूप चलाकर उसकी सारी वैल्यू उसको कॉपी एरे में डाल देंगे। मतलब मेरे को इसका नाम ना ओरिजिनल रखना चाहिए, ओजी रख देते हैं ओरिजिनल, और मैं बनाता हूँ एक कॉपी एरे। देखो इंट कॉपी एरे, तो मैंने कॉपी एरे बनाया इक्वल्स टू न्यू इंट। इसका साइज क्या होगा, साइज इसका होगा जो भी ओरिजिनल एरे का साइज है, ओ जी डॉट साइज। तो मैंने इसको ओ जी डॉट साइज कर दिया इसको, ठीक है, सॉरी ओ जी डॉट लेंथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन ओ जी डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो कॉपी ऑफ आई में मुझे डाल देनी पड़ेगी वैल्यू ओ जी ऑफ आई की। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। अब आज मैं प्रिंट करना आपको एक नया मेथड बताता हूँ कि प्रिंट कैसे करा जाता है। इसके लिए ना एक मेथड आता है, सबसे पहले हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इसमें एक फंक्शन होता है एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करके एक मेथड आता है। ठीक है, एरे होता है इसमें एरे डॉट टू स्ट्रिंग, इसमें कोई भी आप एरे पास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक सेकेंड, क्विक फिक्स इम्पोर्ट एरे, अच्छा इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमें एरे क्लास को, ये बता रहे हैं। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये वाला पार्ट था यूटिल डॉट एरे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली पूरा का पूरा एरे ना कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर, और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम रन करते हैं। तो देखते हैं एरे प्रिंट हुआ कि नहीं, एरे प्रिंट नहीं हुआ है, देखते क्यों नहीं हुआ प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर एरे हमारा प्रिंट हो गया 10 20 30 40, हमने कॉपी एरे को प्रिंट करा था और हमारा इसी के साथ एरे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। आई होप इसका ड्राई रन आप सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो हमारा पहले आ रहे था 10 20, लेट्स अस्यूम कि 30 ले लेते हैं सभी के लिए, इतना ही आ रहे ले लेते हैं। हमने कॉपी आ रहे बनाया, कॉपी आ रहे कितने साइज का बनाया, जो पुराने वाले की लेंथ थी ओरिजिनल की लेंथ थी, ओरिजिनल की लेंथ कितनी 3, तो 1 2 एंड 3 बनाया। अब कॉपी ऑफ आए, अगर मैं इसके इंडेक्सेस लिख दूँ यहाँ पर 0 1 2, तो लूप चलेगा 0 पे। तो ओ जी ऑफ आई मतलब 0 10 को कहाँ पे डाल दो, कॉपी ऑफ आई में, यहाँ पर 10 एंड सिमिलरली 20 एंड सिमिलरली 30। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हमें ना कुछ इंडेक्सेस फाइंड आउट करना है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये लीनियर सर्च का पार्ट है कि एरे में लीनियर सर्च। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कमेंट डाल के, लीनियर लीनियर सर्च इन एरे, तो मैंने ये लिख भी दिया, लीनियर सर्च का पार्ट है। ठीक है, अभी हम आगे जाके इस कोर्स में बाइनरी सर्च भी करेंगे, अभी लीनियर सर्च करते हैं। तो पहला हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन इसका कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ 30। मतलब कोई भी एलिमेंट हो अगर हमारे पास, हमें उसका इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक आंसर बना लेते हैं। मैंने बोला इंट आंसर, अब इसकी वैल्यू ना मैं -1 रखूँ। देखो हमने जब तक जितना भी पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब क्योंकि 0 इंडेक्स से -1 इंडेक्स होता ही नहीं है, तो -1 अभी क्या दिखा रहा है, हमें शो कर रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, कि अभी हमें इंडेक्स नहीं मिला है, या फिर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये कह सकते हैं हम अगर -1 को अभी आंसर डाल रहे हो। उसके बाद बहुत सिंपल सी चीज है, पूरे एरे में आइटरेट करते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। तो हमने ये चीज लिखा। अब क्या करूंगा, देखो मैंने एक कंडीशन लिखी, इफ एरे ऑफ आई, ठीक है, और हमें ये इंडेक्स ऑफ 30 बनाना था, तो एक टारगेट वैल्यू और बना लेते हैं, इंट टारगेट इक्वल्स टू 30।
ठीक है, तो हमने ये उठा लिया। एरे ऑफ आई इक्वल्स टू 30। अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाए, 30 के बराबर हो जाए, तो क्या करना है आपको? आंसर इक्वल्स टू आई कर देना, आंसर इक्वल्स टू आई कर देना, और यहां से ब्रेक कर जाना। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, देखो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, हमें लूप को जब इंटेंशनली किसी पॉइंट पे आके रोक देना पड़े तो हम वहां पे ब्रेक रोकते हैं। अब होगा क्या, चलो पहले समझने से पहले एक बार कोड रन करके देखते हैं कि कोड हमें सही भी बता रहा है कि नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आंसर को प्रिंट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 1 2, ठीक है। तो 2 आंसर आना चाहिए, देखो 30 का इंडेक्स क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टारगेट लिखना चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो एक बार इसको करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, तो 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। कैसे आ रहा है वो चीज़ समझते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये आता होगा, बट जिनको नहीं आता उनके लिए हम इसका ट्राई रन करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक आ रहा था 10 20 30 एंड 40, लेट्स अज्यूम कि यही वाला आ रहा है हमारे पास, एंड इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला इंडेक्सेस है इसके। अब टारगेट हमारा एलिमेंट 30 है, देखो यहाँ पर गए चेक हुआ, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 10 इक्वल्स टू 30 होता है नहीं, फॉल्स, फॉल्स का मतलब इसके अंदर गया ही नहीं, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट आइटरेशन। अब आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे 10 की जगह क्या हो गया, 20 हो गया, तो 20 हो गया, 20 इक्वल टू 30 होता है, ये भी फॉल्स केस है। तो इस वाले इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ के जाएगा कहाँ, अच्छा आगे बढ़ के जाएगा 30 पे। देखो अब क्या होगा, अब हम 30 पे आ गए, अब 30 इक्वल्स टू 30 होता है, हाँ ट्रू है, ट्रू का मतलब आंसर की वैल्यू में आई डाल दो, तो आंसर जो पहले -1 था अब उसमें आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू क्या है, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। और जैसे इसको ब्रेक स्टेटमेंट दिखा ना, ब्रेक स्टेटमेंट से होगा क्या, बेसिकली लूप आगे ही नहीं बढ़ेगा, लूप यहीं पर ब्रेक होके खत्म हो जाएगा, लूप यहीं पर खत्म हो जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा और आंसर प्रिंट कर देगा, आंसर की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इन केस अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में लिख दीजिए, ठीक है, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ये चीज आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा इसी में, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ 40, ठीक है। देखो 40 यहाँ पे कई बार प्रेजेंट है, बहुत सारी बार प्रेजेंट है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट अकरेंस एंड लास्ट अकरेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो पहली बार 40 कब आ रहा है, थर्ड इंडेक्स पे, तो फर्स्ट अकरेंस क्या है 3, और लास्ट अकरेंस क्या है इसकी, लास्ट अकरेंस पीछे से देखेंगे तो 8, 8th पोजीशन पे हमारी लास्ट अकरेंस है, ठीक है। तो हमें 40 की फर्स्ट और लास्ट अकरेंस चाहिए अब की बार। देखो अब इसकी अप्रोच क्या है, देखो इसकी अप्रोच मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती है, बट ध्यान से समझते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। देखो सबसे सिंपल अप्रोच क्या है कि हम पहले यहां से चेक करें, जो पहली अप्रोच लगे उस पर ब्रेक कर जाए, फिर हम यहाँ से चेक करें और जो पहली बार मिले वो लास्ट हो गए, लास्ट अकरेंस होगी, तो जहां पर भी मिलेगा वहीं ब्रेक कर जाएंगे तो हमें लास्ट अकरेंस मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये वाला अप्रोच करते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट अकरेंस के लिए कोड लिखता हूँ, तो मैंने बोला इंट फर्स्ट अकरेंस इक्वल्स टू -1, इसको -1 लिखते हैं के लिए, ठीक है, इसको भी, और हम टारगेट एलिमेंट बना लेते हैं फिर से, अच्छा मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमें इशू ना डाले, ठीक है। अब टारगेट एलिमेंट क्या है मेरा, 40 है, तो 40 मेरा टारगेट एलिमेंट है। मैंने फर्स्ट अकरेंस डाल दिया -1 इंट, लास्ट अकरेंस डाल दिया मैंने, लास्ट अकरेंस में -1 डाल दिया, ठीक है। इनकेस अगर देखो फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस अगर वो एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम उसको -1 कहेंगे, -1 ये सिग्निफाई करता है, अगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो -1 इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है कि वो एलिमेंट भी प्रेजेंट नहीं है, जो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट अकरेंस के लिए कोड चलाया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, जो हमने ना ऊपर कोड लिखा ना वो सेम कोड है बिल्कुल, यहाँ पर फर्स्ट अकरेंस के लिए पहली बार जब भी मुझे 40 मिलेगा तब मैं यहाँ से लूप से बाहर आ जाऊँगा। तो मैंने बोला इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट, टारगेट वैल्यू है तो क्या करूँ, फर्स्ट अकरेंस में आप आई की वैल्यू डाल दो और यहीं से ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रॉम दिस आई विल गेट द फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट अकरेंस मिल जाएगा। अब देखो फर्स्ट अकरेंस ढूंढना तो बहुत ईजी था, कैसे, मैं यहाँ से ट्रैवल करता क्या, क्या करा है मैंने, ध्यान से समझना,
मैं यहाँ से ट्रैवल करता हुआ गया, जब भी मुझे पहली बार 40 मिला तो मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक स्टेटमेंट से हमने वही करा था जैसे यहाँ पे भी करा था। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से ट्रैवल करता चलूंगा, जब भी मुझे 40 मिल जाएगा यहाँ ब्रेक कर दूंगा, तो मुझे फर्स्ट और लास्ट अकरेंस मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट अकरेंस का कोड लिखते हैं। देखो लास्ट अकरेंस के कोड में कुछ नहीं है, लूप उल्टा चलना है बस। तो मैंने बोला आई इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, सॉरी, और एंड आई इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ माइनस वन, एरे डॉट लेंथ माइनस वन, एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड आई माइनस माइनस। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लिखी। अब क्या करता हूँ, मैं यही वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस फर्स्ट अकरेंस की जगह क्या डालना है, मुझे लास्ट अकरेंस डालना है। ठीक है, और अब ना पेपर प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पहले फर्स्ट अकरेंस प्रिंट कर दो, बल्कि इस तरीके से मत करो, पहले डालो फर्स्ट अकरेंस इज प्लस करो एफ ओ, फिर कुछ स्पेस डालो, फिर स्पेस डालो प्लस, मैंने बोला लास्ट अकरेंस इज एलो, एलो को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से करा और यहाँ पे कमेंट्स भी डाल देता हूँ मैं। फ्रॉम दिस वी विल गेट द, ठीक है, लास्ट अकरेंस। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो एक ही बार देखनी पड़े, बार जब आप कोड देखेंगे तो आपको तब भी समझ आ जाए। ठीक है, तो ये वाली कुछ इस तरीके से करा, एक बार रन करके देखते हैं कोड को। एंड जब कोड को रन करा तो फर्स्ट अकरेंस 3 था, देख लेते हैं फर्स्ट अकरेंस 3 होना चाहिए था क्या, 40 था। तो इंडेक्सेस अगर मैं ध्यान से देखूँ इस सारे के, तो 0 1 2 3, तो फर्स्ट अकरेंस था यही था 43, और लास्ट अकरेंस क्या था 4 5 6 7 8, तो लास्ट अकरेंस 80 था। तो इस तरीके से मुझे मेरी दोनों अकरेंसेस मिल गई। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 40। अब देखो हमने ये तो जान लिया कि फर्स्ट अकरेंस क्या है, लास्ट अकरेंस क्या है, अब ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स 40 आ रहा है। देखो 40 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो मुझे अब की बारी काउंट करना है कि 40 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये भी। ठीक है, पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर दिया मैंने इसको, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 40, बहुत ही आसान। मैं सबसे पहले बोला इंट काउंट, काउंट की वैल्यू 0 रखी। एक ना काउंटर वेरिएबल लेंगे, लूप में ट्रैवल करते हुए ये पता लगाएंगे कि वो जब जब 40 आ रहा है तब तब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उसको एक काउंट को ऐड कर देना। ठीक है, तो मैंने इसके लिए काउंटर वेरिएबल ले लिया। टारगेट वेरिएबल हर बार लेना ही पड़ेगा हमें, टारगेट वेरिएबल मैंने लिया 40। ठीक है, और अब मैंने बोला फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, तो मैंने ये चीज़ लिख दी। अब मुझे क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल, ये भी लीनियर सर्च का ही पार्ट है, लीनियर सर्च बहुत ईजी होता है। एरे ऑफ आई इक्वल्स टू, अगर टारगेट के इक्वल है, अगर वो टारगेट के इक्वल है तो आपको क्या करना है, काउंट प्लस प्लस, बस बहुत ही सिंपल एंड स्वीट। तो मैंने सिस आउट करा, काउंट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं, तो रन करते हैं 4 times, देखते हैं 4 times आ रहा था कि नहीं, 1 2 3 4, अरे बिल्कुल सही है। अब कैसे हुआ ये, थोड़ा सा इसको समझने के लिए ट्राई रन करते हैं इसका। ठीक है, तो मैंने बोला ऐड टू करंट पेज कर दो, प्यारे से हमारे वाइट बोर्ड पे आ गए हम। ठीक है, देखते हैं कैसे हुआ। आई नो बहुत सारे लोगों का हो गया होगा, बट ठीक है फिर भी कर लेना ठीक रहता है। 40 20 40, देखो जितना ना हम आसान क्वेश्चंस में ट्राई रन करेंगे ना, मुश्किल क्वेश्चन में ना उतना ही इजी होगा ट्राई रन करना, क्योंकि आदत नहीं बनेगी ना जब तक, हो नहीं पाएगी चीज़ें, तो हम ये चीज़ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले काउंट की वैल्यू 0 है, टारगेट की 40 है। सबसे पहले हमारे इंडेक्सेस लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4, तो ये इंडेक्सेस लिख लिया मैंने। अब एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, देखो एरे ऑफ आई की वैल्यू है 10, इक्वल्स टू 40 होता है, नहीं होता, फॉल्स, फॉल्स है तो कुछ होगा ही नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ गए हम लोग, आगे गए 40 आया, 40 इक्वल्स टू 40 होता है, हाँ यार ट्रू है, ट्रू का मतलब काउंट प्लस प्लस कर दो, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चल रहा हमारा कोड। उसके बाद आई की वैल्यू, आई आगे बढ़ा तो एरे ऑफ आई में क्या आ गया, 20 आ गया, 20 इक्वल्स टू 40 होता है, नहीं फॉल्स, फॉल्स नहीं होता, आगे बढ़ इस वाले का ये नहीं, फिर से 40 आ गया। अब 40 इक्वल्स टू 40 होता है, ट्रू हो गया, ट्रू का मतलब अंदर जाएगा काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू 2 हो गई।
उसके बाद हम 30 पे चले गए। तो 30 इक्वल्स टू 40 नहीं होता, तो ये भी फॉल्स कंडीशन है हमारी, तो हम इसके अंदर गए नहीं। एंड वी हैव गॉट टू, और जो 40 की अकरेंस थी वो भी 2 टाइम्स ही थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और एरे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सीरीज बेसिकली जो बनाई जा रही है ना, बिगनर फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, ताकि आप लोगों को बिगनिंग से समझ आ सके चीज़ें। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बिगनिंग से चीज़ें समझ नहीं आती है, बिगनिंग में इशू आ जाते हैं, बाकी तो बड़ी चीज़ें तो समझ आ ही जाती है। तो बिगनिंग से समझने के लिए ये सीरीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो थैंक यू।